पार्ट 10 दे रहे हैं आपको लेशन धारिता और संधारित्र का फिजिक्स में। क्लास आपका 12 है, ठीक है, क्लास 12 का कोर्स है ये। इसमें ये हम आपको चार तरह का क्वेश्चन हमने दिया है, जिसमें आपको तुल्य धारिता निकालनी है ए बी के बीच। जैसे ये सवाल आपका देख लीजिए, ये सवाल जो आपको दिया हुआ है, आप इसको चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा यहाँ पे ये बी हो गया, सॉरी ए हो गया, और इस साइड आपका हो गया एक और लगा करके बी, ठीक है। अब इसमें ये जो यहाँ वाला है, ये जो 100 है वो यहाँ है, 100 माइक्रोफेरेड, और ये दोनों 200 माइक्रोफेरेड के हैं, 200 के, और फिर ये 100 का है। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो हम इसको हल करेंगे, तो किस क्रम में है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र होता है वो ये है, 1/200, 1/200, ठीक है, समझ आया इतना। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 2/200 हो जाएगा, यानी 1/100, यानी C1 का मान कितना आ गया, 100। इसको अगर हम हल कर देते हैं तो इसका मान टोटल कितना आया, 100। अब अगर हम अगला चित्र दें यहीं पे, तो हमारा इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा ऐसा। ये जो हम लाए हैं वो 100 है, ऊपर वाला आपका 100 है और ये 100 है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करेंगे, ये B है और ये A है। अब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे अगर हल करते हैं हम, तो ये समांतर क्रम है, तो इसके लिए सीधा सीधा जोड़ा जाता है ऐसे करके समांतर क्रम के लिए, तो ये हो जाएगा 200 फैरेड। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमारे चित्र में जो चेंजिंग आएगी वो चेंज हो जाएगा कि ये हमारा 100 रहेगा और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 200, यानी इसकी जगह पे हमें क्या मिल गया, 200। अब ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो C3 जब करेंगे तो 1/100, 1/200, यानी हम ये कह सकते हैं कि 3/ कितना कर दें, चलो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 200 + 100 / 100 × 200, ठीक है। तो 1/C3 बराबर हमारा हो जाएगा 300 × 100 + 200, यहाँ से कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/C3 का C3 लेंगे तो ये हो जाएगा 200/3, यानी C3 हमारा आ जाएगा 66.67, ठीक है, 18 होगा और फिर 18 होगा ऐसे माइक्रोफेरेड। ये हमारा सवाल है। अब अगर हम इस सवाल को देखें, तो ये सवाल अगर आप देखना चाहें तो इसमें आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो आपका सवाल है, इसमें ये वाला जो आपका लिखा हुआ है, ये बीच वाला, ये ऐसे हो गया। अब जब दूसरे वाले में देखेंगे तो ये तार घूम के जा रहा है, ये तार घूम के जा रहा है इसके साथ, यानी इस बिंदु के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इधर वाला भी इस बिंदु से जुड़ा हुआ, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी क्रम कैसा दिख रहा है, ये जाहिर सी बात है समांतर दिख रहा है। तो अब देखिए इसमें ये 15 है, ये 300 है और ये 100 माइक्रोफेरेड है, तो सीधा हो जाएगा ये C = 100 माइक्रोफेरेड, 300 माइक्रोफेरेड और 15 माइक्रोफेरेड, यानी 400 माइक्रोफेरेड होगा, है ना, ये आपका आंसर बना जाएगा, ठीक है। अब इस वाले सवाल पे सोचिए ज़रा, ये वाला सवाल है, ये थोड़ा विशिष्टोन सवाल बोला जाता है, यानी समांतर चतुर्भुज के भुजा क्रम में लगा है
है ना। ये देखिए एक भुजाइए, एक भुजाइए, एक भुजाइए, एक भुजाइए। अगर हम इसको एक्स वाई जेड एम मान लें, तो ऐसे सवालों में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विशिष्टोन प्रतिबंध देखा जाता है। विशिष्टोन का क्या देखते हैं? प्रतिबंध देखते हैं। सबसे पहले यही करते हैं, विशिष्टोन प्रतिबंध को देखते हैं। उस प्रतिबंध में क्या होता है कि इनकी भुजाओं के अनुपात क्लियर करते हैं, चाहे इसका कर लें चाहे इसका कर लें। तो अगर हम इसकी भुजाओं का अनुपात करें तो 2/4 होगा और 3/6 होगा। अगर ये भुजा का अनुपात इक्वल हुआ, है ना, जैसे ये आया 1/2, इधर भी आया 1/2, यानी भुजा अनुपात अगर बराबर हो गए तो ये वाला संधारित्र परिपथ में काम नहीं करता, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि खाली हो जाता है। तो अब देखिए, अगर तुल्यधारिता निकालनी हो AB के बीच, तो हमें क्या मिला? ये हमारा मिल गया श्रेणी, है ना। तो श्रेणी मिला, ऊपर वाला की बात कर रहे हैं, यानी 2 और 3 श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है। तो इसको 1/C1 करेंगे तो 1/2, 1/3, फिर इसको अगर हल करेंगे तो 5/6 लिख सकते हैं, यानी C1 करेंगे तो 6/5 लिख सकते हैं, यानी 1-2 माइक्रोवेव लिख सकते हैं। यानी अगर इस पूरे को हमने हल कर दिया तो उसका मान कितना आया? 1.2। अब इसको भी अगर हल कर दें तो यहाँ भी देख लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4, दिख रहा है ये 4, ये 6, 1/6, यानी 10/24 हम कर सकते हैं, यानी 24/10 कर सकते हैं, सॉरी C2 बराबर हम 24/10 कर सकते हैं, यानी ये आएगा 2.4। देखिए अब हम ये देखें कि इस चित्र में हमने क्या पाया। तो इस चित्र में हमने पाया है कि ऊपर का जो हम हल कर दिए, ठीक है ना, ऊपर का जो हम हल दे रहे हैं और जो नीचे का हल दिया हमने, ठीक है ना, तो ये तार अलग हो गया, ये तार अलग हो गया, तो अब हो गया समांतर, यानी 1.2 और 2.4 ये समांतर हो गए। तो लास्ट हमारा आएगा 1.2 + 2.4, यानी ये हो जाएगा 3.6 माइक्रोफैरड, यानी AB के बीच जो धारिता हमारी आएगी ये आएगी। अब इस सवाल को भी समझिए, ये सवाल थोड़ा अलग है। इसमें आपको सबसे पहले इस परिपथ सर्किट को तोड़ना पड़ेगा। तो याद रखिए, जैसा कि हम पिछले वाले ये वाले सवाल में आपको सेट दे रहे थे, उसी तरह इस वाले सवाल में आप देखेंगे तो ये आपका कॉमन है, तो इसको हम कॉमन बना दिए। उसके बाद देखिए, ये एक तार यहाँ से ऐसे मुड़ के गया है, या ऐसे मुड़ के गया है एक तार, ठीक है, और तार जो गया है तो उसमें एक तरफ यहाँ पे आपका एक संधारित्र है और यहाँ एक संधारित्र है, दो संधारित्र हो गए, ये दो संधारित्र हो गए। अब जानना चाहें तो ये 4 माइक्रोफैरड का है, ये भी 4 माइक्रोफैरड का है, और ये आपका 2 माइक्रोफैरड का, कॉमन हो गया। लेकिन जब दूसरी तरफ भी हम गए, तो जब हम ऐसे किए यानी ए को बनाए, तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड है और यहाँ 2 माइक्रोफैरड है ना, ऐसे। अब देखिए, इसमें 4 भुजा आ गई, एक भुजाइए, एक भुजाइए, एक भुजाइए, एक भुजा। अब इसमें क्या है? 2-2 फैरड का है ना। तो अब हम इस सवाल की तरह इसे हल करेंगे, यानी विशिष्टोन देखेंगे। तो विशिष्टोन अगर प्रतिबंध हम देख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कि 2/2 और 4/4, यानी इनका अनुपात देखेंगे। तो ये देखिए सिंपल अनुपात आया है, इसका मतलब ये वाला परिपथ में काम नहीं करेगा। तो ये बचा श्रेणी, ये बना श्रेणी और बाद में समांतर। तो इन दोनों को श्रेणी हल करेंगे तो 1/C1 करेंगे तो 1/2, 4 यानी 6/8, यानी C1 बराबर हो जाएगा 8/6। जब हम C2 यानी नीचे वाला जब हल करेंगे तो 1/2, 1/4, यानी ये भी C2 आएगा 8/6। अब ये दोनों मिक्स होके 8/6 बनाए, ये दोनों मिक्स होके 8/6 बनाए,
तो अब हमारा परिपथ कैसा हो जाएगा, समांतर हो गया। तो इन दोनों का लास्ट जो होगा वह आपका हो जाएगा C3 बराबर 8/6 प्लस इतना, यानी हम इसको कर सकते हैं 8/8 16/6, यानी 36/18 नहीं होगा, 6 × 12 ठीक है, 4×0 6×36 6×36 यानी इतना है, ये आपका आंसर होगा। अब हम अगला सवाल देख रहे हैं, इसमें ये जो सवाल लिखा हुआ है आपका, इसको ध्यान से देखें, लिखा है कि 9 pF के, लिखा है ना, यहाँ देखिए 9 pF के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी श्रेणी क्रम का मतलब ऐसे ये जोड़ा जाता है, कितने 9 pF के, ठीक है। तो समायोजन की कुल धारिता क्या होगी, यानी ये जो जोड़ा हुआ है इसकी धारिता कितनी होगी, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में धारिता का सूत्र जो होता है आपका 1/C 9 9 और 9, यानी एलसीएम जो होगा वो 9 होगा, तो 1 1 1 होगा, यानी सी बराबर हो जाएगा 3/9, यानी सी बराबर 9/3 यानी 3 μF, यानी इसकी संयोजन धारिता 3 μF की होगी, क्लियर। अब देखिए बोला है कि यदि समायोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, जैसे इसको हम 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक सामान्य सी अगर क्रिया देखा जाए तो ये बहुत आसान है कि हमेशा ही श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग होता है, ठीक है, विभवांतर अलग होता है, और 120 वोल्ट का विभवांतर है और सबके फैरेड समान है, सबके पीको फैरेड क्या है, समान है। तो चाहें तो आप इसको 3 बार में बांट दें तो 1 बार में निकल जाएगा, और नहीं तो सबके आवेश निकालें फिर अपना क्लियर करें। तो देखिए सिंपल से में 3 भाग में अगर बांटते हैं तो प्रत्येक संधारित्र के सिरों का विभव अगर आप देखेंगे तो 1 बार में आप भी बराबर 120/3 कर दें, क्योंकि तीनों का समान है, तो ये आ जाएगा 40 वोल्ट, यानी 40 वोल्ट का आपको ये आपको धारिता मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि बड़े वाले में देखना चाहते हैं तो उसके में क्या करते हैं कि परिपथ की आप आवेश निकालें, परिपथ आवेश निकाल लीजिए, तो क्या जाएगा Q = CV, यानी Q बराबर हमारा C कितना है 3 pF गुड़े वोल्ट कितना है 120, यानी 12 × 36 360 पीको कुलाम आपका आवेश आएगा। अब एक एक आवेश, एक एक धारिता आवेश वो विभव की बात करें, यानी इसमें कितना आवेश जा रहा है 360 पीको कुलाम। अब वोल्ट निकालना है तो पहले संधारित्र का ही देख लें, पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर है ना, तो भी बराबर हो जाएगा Q/C, ठीक है। तो Q यहाँ पे कितना है 360 पीको कुलाम, और धारिता कितनी है 9 pF फैरेड, देखिए पीको कैंसिल हो गया, 9×36 40 वोल्ट हो गया। और इसी प्रकार क्योंकि समान है आवेश भी समान जा रहा है तो सबकी धारिता कितनी कितनी होगी 40 40 वोल्ट की ही होगी, ठीक है। एक और सवाल देख लीजिए आप, इस सवाल में क्या कहना है, ए और बी आपके 2 बिंदु हैं, बी को हमने पृथ्वी से जोड़ा है और ए को 1500 का वोल्ट देते हैं, ये सर्किट बना हुआ है, तो आपको बोल रहा है कि पी बिंदु पर विभव क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले एक चीज़ का याद रखिए कि यहाँ का विभव निकालना है तो परिपथ संधारित निकाल धारिता निकालनी पड़ेगी धारिता। तो देखिए ये सबसे पहले ये हल होगा, पहला काम ये, फिर इन दोनों के साथ
यानी इनके साथ ये दूसरा हल होगा, फिर तीसरा हल होगा। तो पहला है श्रेणी क्रम, तो अगर हम श्रेणी क्रम लेंगे तो ऐसे लेंगे, यानी दो बट्टे पाँच, यानी सी वन आएगा हमारा ढाई, क्लियर। जब हम ये ढाई हो गया, इसको जब ले लेंगे तो सी टू हो जाएगा ढाई के साथ एक, यानी साढ़े तीन माइक्रो फैरेड। अब इसके साथ इसको ले लेंगे, यानी टोटल धारिता आ रही है, तो श्रेणी क्रम आएगी क्योंकि ये इसके साथ श्रेणी बनाएगा, तो ये हो जाएगी वन थ्री, ये प्लस इतना बराबर टू बाई थ्री पॉइंट फाइव, यानी सी थ्री हमारी आई 3.5/2, ये माइक्रोफेरेड, ये हमारी टोटल धारिता आ गई। अब हम अगर यहाँ का वोल्ट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करें कि परिपथ आवेश देख लें, परिपथ आवेश कितना, यानी इस परिपथ में आवेश कितना जा रहा है। तो Q बराबर क्या होगा, CV। तो Q बराबर C का मान 3.5/2 है और वोल्ट कितना हमारे पास है, 1500, ये 1500 हो गया, ये हो जाएगा आपका माइक्रो कूलम, ठीक। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे विभव निकालना है। तो P पर वैद्युत विभव देख लें कितना होता है ना, या विभवांतर देख लीजिए। तो VP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी, है ना, P तक। तो Q का मान तो हमने ये निकाल दिया ना, 3.5 × 1500 / CP यहाँ पे कितना है, 3.5, है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे 3.5 ऊपर से कट जाएगा, यानी 1500 / कितना आएगा, 2, यानी 7.5 वोल्ट, ये आपका आंसर होगा। सवाल को देखते समय ध्यान से देखें और उसके बाद कोशिश करें कि आपका हर सवाल, जब वीडियो ना समझ में आया तो बार बार देख करके उसको क्लियर करें, ठीक है। पहले भी हम संयोजन दिए हैं। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो न्यूमेरिकल ही होगा, यानी आंकिक प्रश्न का ही देंगे, जिससे आपका प्रश्न ठीक हो जाए। एनसीईआरटी का प्रश्न का अगले बार मिलेगा, एनसीईआरटी का इसमें भी था, ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ये हमने आपको कंप्लीट कर दिया है। एक जगह हमसे मिस्टेक हुआ है जो आपको इसमें दिखा रहे हैं हम। यहाँ देखिए, ये हमने 100, 315 जोड़ा है, वहाँ पे हमने 400 लिखा है, ये होगा 415 वोल्ट, 415 माइक्रोफेरेड, ये ध्यान रखिएगा, मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम, धन्यवाद।